आज के लेक्चर में हम एक्सेसरी नंबर्स पे सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, पहले तो एक्सेसरी नंबर्स क्या होते हैं। एक्सेसरी नंबर्स में हम क्या करते हैं, एक्सेसरी कोड्स में जो डेसिमल डिजिट्स होते हैं उसके लिए हम 8421 बीसीडी कोड लिखते हैं। तो जो हमने डेसिमल डिजिट के लिए जो 8421 बीसीडी कोड लिखा है उस कोड में सिर्फ हमको 3 ऐड करना होता है, और 3 ऐड करने के बाद हमको एक्सेसरी कोड फॉर दैट डेसिमल डिजिट मिल जाता है। तो यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो पहला एग्जांपल है हमारा 687 माइनस 348। तो अभी अगर हम नॉर्मल सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो 687 माइनस 348 करते हैं तो हमको मिलता है 339। तो अभी हम यूजिंग डेसिमल सब्सट्रैक्शन यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 348 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 348, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 348 कैसे आएगा, हर एक डिजिट हमको 348 का 9 से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 9 माइनस 8 1 आता है, 9 माइनस 4 5 और 9 माइनस 3 6 आता है। तो 651 ये जो है ये नाइन्स कॉम्प्लीमेंट है 348 का। अभी हमको क्या करना है, 687 माइनस 348 करना है यूजिंग द नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो क्या करेंगे, हम 687 को वैसे का वैसा रखेंगे प्लस क्या करेंगे, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 348 जो कि है 651। तो अभी हम इनको सब्सट्रैक्ट नहीं कर रहे, इनको ऐड कर रहे, मतलब 687 जो है वो माइन्यूएंड है, 348 है सब्सट्रैंड है। तो हमने सब्सट्रैंड का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लिया और वो अभी हम माइन्यूएंड में ऐड कर रहे हैं। तो 7 प्लस 1 आता है, तो 7 प्लस 1 आता है 8, 8 प्लस 5 आता है 13। तो 13 का 3 यहाँ पे 1 कैरी में, 6 प्लस 1 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13, तो 1338 आया। तो यहाँ पे कैरी जनरेट हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो कैरी जनरेट हुई उसका मतलब है कि रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव है और हमको ये कैरी जो है वो रिज़ल्ट में ऐड कर देनी पड़ेगी। और कैरी ऐड करने के बाद हमारा रिज़ल्ट आता है 339। तो यहाँ पे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमारा रिज़ल्ट करेक्ट है। तो ये क्या किया हमने, डेसिमल सब्सट्रैक्शन किया यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड। जो नंबर हमको सब्सट्रैक्ट करना था उसका हमने नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ले लिया और जिस नंबर से सब्सट्रैक्ट करना है उसमें ऐड कर दिया, और कैरी जनरेट हुई तो कैरी हमने रिजल्ट में ऐड कर दी और हमको रिजल्ट मिल गया। तो अभी हम क्या करेंगे, एक्सेसरी सब्सट्रैक्शन यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये जो दो नंबर्स है, एक तो माइन्यूएंड 687 और सब्सट्रैक्ट का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को हम एक्सेसरी फॉर्म में लिखेंगे। तो अभी 687 जो है उसका एक्सेसरी कोड लिखेंगे। तो 687 का एक्सेसरी लिखेंगे मतलब हर एक डिजिट में 3 ऐड करेंगे। तो 6 प्लस 3 कितना आता है, 9 आता है। तो 9 का जो बाइनरी है वो है 1001, उसके बाद 8, 8 में 3 ऐड करेंगे तो आता है 11। तो 11 का बाइनरी है 1011, उसके बाद 7, 7 7 जो है उसमें 3 ऐड करेंगे मतलब एक्सेसरी हो जाएगा, तो उसका 10 आता है, 7 प्लस 3 10। तो 10 का जो बाइनरी है वो है 1010। तो हमने क्या किया, 687 को इन एक्सेसरी फॉर्म, इन एक्सेसरी एक्सप्रेस किया। अभी हम क्या करेंगे, हमने नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी ले लिया है 348 का जो कि है 651। तो 651 के लिए हम एक्सेसरी कोड लिखेंगे। तो हमने क्या किया, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ले लिया है 348 का जो कि है 651, और 651 को अभी हम एक्सेसरी में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हर एक डिजिट में 3 ऐड करेंगे, तो 6 प्लस 3 आता है 9, 5 प्लस 3 आता है 8, 1 प्लस 3 आता है 4। तो अभी हमने दोनों नंबर्स को सब्सट्रैंड और माइन्यूएंड और सब्सट्रैंड का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को हमने एक्सेसरी में रिप्रेजेंट कर लिया है। अभी हम उन पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यूजिंग द रूल्स ऑफ बाइनरी एडिशन। तो 0 प्लस 0 आता है 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1।
1+0, 1, 1+0, 1, 0+0, 0, 1+1, 0 कैरी यहाँ पे जनरेट होती है, वो हम प्रपोगेट कर रहे हैं नेक्स्ट ग्रुप के एडिशन के यहाँ पे। तो 3 1s ऐड करने के बाद सम आता है 1, कैरी आता है 1। 1+0+0 आता है 1, 0+0 आता है 0, 1+1 सम 0 कैरी 1। यहाँ पे कैरी जनरेट हुई है। तो रिजल्ट मतलब टोटल एडिशन करने के बाद जब कैरी जनरेट होती है, इस कैरी को बोलते हैं एंड अराउंड कैरी। तो एंड अराउंड कैरी जनरेट हुई, इसका मतलब है कि रिजल्ट पॉजिटिव है और ये कैरी हमको रिजल्ट में ऐड करनी पड़ेगी। तो कैरी ऐड करने के बाद हमारा ये रिजल्ट आता है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। लेकिन एक्सेसरी सब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि ये जो कोड्स होते हैं कि जहाँ पे जिस ग्रुप के एडिशन करने के वक्त जहाँ पे कैरी जनरेट होती है उस ग्रुप में हम 3 ऐड करते हैं, और जिस ग्रुप की एडिशन प्रोसेस करने के वक्त कैरी जनरेट नहीं होती वहाँ से हम 3 सब्स्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ग्रुप के एडिशन प्रोसेस करने के वक्त कैरी जनरेट नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको 3 को सब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और तो यहाँ पे हम सिंपली 3 को सब्स्ट्रैक्ट करेंगे, और ये दोनों ग्रुप के एडिशन प्रोसेस करने के वक्त यहाँ पे जब हमने एडिशन की तो यहाँ पे कैरी जनरेट हुई, जो हमने नेक्स्ट ग्रुप के एडिशन के यहाँ पे प्रपोगेट कर दी। तो कैरी जनरेट हुई इस ग्रुप के एडिशन करते वक्त, तो इसके वजह से इसमें हम इस 3 ऐड करेंगे। यहाँ पे भी कैरी जनरेट हुई, यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो इसके वजह से यहाँ पे भी 3 ऐड करेंगे। तो मतलब हमको एक तो रिजल्ट में 3 ऐड करना होता है या 3 सब्स्ट्रैक्ट करना होता है, ये हम क्यों करते हैं इसका रीज़न है। तो कैरी जनरेट होती है इसका मतलब है कि इनवैलिड स्टेट्स है, जो 6 इनवैलिड स्टेट्स है एक्सेस ट्री कोड में वो स्किप किए जाते हैं, और रिजल्ट जो होता है नॉर्मल बाइनरी में होता है वो एक्सेस ट्री फॉर्म में लाने के लिए हम उसमें 3 ऐड कर देते हैं। और जहाँ पे कैरी जनरेट नहीं होती उसका मतलब है कि रिजल्ट जो है वो एक्सेस 6 में होता है, और वो एक्सेस 3 में लाने के लिए हम उसमें से 3 सब्स्ट्रैक्ट करते हैं। तो अभी हम 3 को ऐड और सब्स्ट्रैक्ट करते हैं और फाइनल रिजल्ट फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 से 1 गया 0, 1 से 1 गया 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 1+1 0 सम 0 कैरी 1। 3 1s ऐड करने के बाद सम 1 आता है, कैरी 1 आता है। 1+0+0 1, 0+0 0, 1+1 सम 0 कैरी 1। 3 1s ऐड करने के बाद सम 1 आता है, कैरी 1 आता है। 1+0+0 1, 0+0 0। तो यहाँ पे ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो अभी हम ये रिजल्ट क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो नॉर्मल डेसिमल सब्स्ट्रैक्शन का रिजल्ट है 339। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है, 0110 मतलब 6। तो एक्सेस ट्री फॉर्म में है इसके वजह से 3+3 6, फिर उसके बाद 3 है, और यहाँ पे 0110 मतलब 6। फिर ये जो है 1 9 है, 9, और एक्सेस ट्री में कितना आएगा, 9+3 12, तो ये 12 है क्या, यस ये 12 है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा रिजल्ट करेक्ट है। इस तरह से एक्सेस ट्री कोड पे सब्स्ट्रैक्शन ऑपरेशन करते हैं यूजिंग 9's कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो हम और एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो अभी हम दूसरा एग्जांपल सॉल्व करते हैं, 246 से 592 हम सब्स्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले तो नॉर्मल डेसिमल सब्स्ट्रैक्शन से करेंगे, तो 246 माइनस 592 आता है -346। तो यहाँ पे रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है क्योंकि हम छोटे नंबर से बड़ा नंबर सब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सेम ही प्रोसीजर रहेगी, जो सब्स्ट्रैक्ट है उसका हम 9's कॉम्प्लीमेंट लेंगे और माइन्यूअर में ऐड करेंगे। सिर्फ अभी एक्सेसरी में करने के लिए हमको सब्स्ट्रैक्ट का जो 9's कॉम्प्लीमेंट आता है उसका एक्सेसरी लिखना पड़ेगा और माइन्यूअर का भी एक्सेसरी लिखना पड़ेगा। तो 592 का तो पहले हम 9's कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं क्योंकि हम 9's कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो हर एक डिजिट हमको 9 से सब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 9 माइनस 2 आता है 7, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 5 4, तो 4 0 7 आ गया 9's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 592। तो हम पहले तो क्या करेंगे, डेसिमल सब्स्ट्रैक्शन यूजिंग 9's कॉम्प्लीमेंट मेथड करेंगे,
इसका मतलब है कि हम डेसिमल डिजिट पे सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज़ करके। उसके बाद हम एक्सेसरी कोड पे सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन करेंगे यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो यहाँ पे माइन्यूएंट तो हम वैसे के वैसे लिखते हैं जो कि है 246, फिर सब्सट्रैहेंड का जो है वो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं जो कि है 407। तो 407 जो है वो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट है सब्सट्रैहेंड का, ये है माइन्यूएंट 246। फिर अभी इन पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 6 + 7 आता है 13, फिर 1 कैरी में 1 + 4 = 5, 2 + 4 = 6। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैरी जनरेट नहीं हुई। तो कैरी जनरेट नहीं हुई इसका मतलब है कि रिजल्ट जो है वो निगेटिव है और रिजल्ट जो है वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। रिजल्ट को फाइंड करने के लिए हमको ये 653 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। रिजल्ट इज़ निगेटिव और इन नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है वो, और रिजल्ट को फाइंड करने के लिए हमको रिजल्ट का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो हर एक डिजिट 9 से सब्सट्रैक्ट करेंगे 653 का, और निगेटिव साइन भी लगाना पड़ेगा। तो 9 - 3 आता है 6, 9 - 5 आता है 4, 9 - 6 आता है 3। उसके साथ साथ हमने निगेटिव साइन लगाया तो ये हमारा रिजल्ट मिल गया जो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं नॉर्मल डेसिमल सब्सट्रैक्शन के रिजल्ट से। तो अभी हमने क्या किया, डेसिमल सब्सट्रैक्शन यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड किया। तो अभी हम क्या करेंगे, एक्सेसरी कोड पे एक्सेसरी नंबर पे सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो माइन्यूएंट है 246 और सब्सट्रैहेंड है 592। तो सब 246 को हम एक्सेसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 246 को एक्सेसरी लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्सेसरी का 246 का एक्सेसरी कोड लिखेंगे, मतलब हर एक डिजिट में 3 ऐड करेंगे। तो 2 में 3 ऐड करने के बाद आता है 5, 5 का बाइनरी है 0101। उसके बाद 4 + 3 आता है 7, 7 का बाइनरी है 0111। 6, 6 का बाइनरी है 6 + 3 आता है 9, 9 का बाइनरी है 1001। फिर उसके बाद अभी फोर एक्सेसरी कोड ऑफ 407 करेंगे। तो 407 क्या है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट है ऑफ द सब्सट्रैहेंड, या कह सकते हैं 592 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट है 407। तो 407 को हम एक्सेसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब 407 के हर एक डिजिट में हम 3 ऐड करेंगे। तो 4 + 3 आता है 7, 0 + 3 आता है 3, 7 + 3 आता है 10। तो हमने सारे जो डिजिट्स थे उसका एक्सेसरी कोड लिख दिया है। अभी हम बाइनरी एडिशन के रूल यूज़ करके एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। 1 + 0 आता है 1, 0 + 1 आता है 1, 0 + 0 = 0, 1 + 1 = 0। यहाँ पे कैरी जनरेट हुई है। तो 3 1s ऐड करने के बाद सम 1 आता है, कैरी 1 आता है। 3 1s ऐड करने के बाद सम 1, कैरी 1, 1 + 1 + 0 सम 0, कैरी 1, 1 + 0 + 0 1 आता है। इस ग्रुप के एडिशन प्रोसेस के दौरान कैरी जनरेट नहीं हुई है। 1 + 1 सम 0, कैरी 1, 1 + 0 + 1 सम 0, कैरी 1। 3 1s ऐड करने के बाद सम 1 आता है, कैरी 1 आता है। 1 + 0 + 0 1 आता है सम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाले ग्रुप के एडिशन प्रोसेस के दौरान ही कैरी जनरेट हुई। तो हमारे रूल के हिसाब से जब कैरी जनरेट होती है जिस ग्रुप के एडिशन प्रोसेस करने के वक्त, उस ग्रुप में हम 3 ऐड करते हैं। और जिस ग्रुप के एडिशन प्रोसेस के दौरान कैरी जनरेट नहीं होती उससे हम 3 सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये हम किस लिए करते हैं, कैरी जनरेट होती है इसका मतलब है कि रिजल्ट जो है वो बाइनरी में चला गया है, वो एक्सेसरी में लाने के लिए हम 3 ऐड करते हैं। और कैरी सब्सट्रैक्ट इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि रिजल्ट एक्सेस 6 में चला जाता है, उसको एक्सेस 3 में लाने के लिए हम 3 सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे और रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे तो कैरी जनरेट नहीं हुई, एंड अराउंड कैरी यहाँ पे नहीं जनरेट हुई। इसका मतलब है कि रिजल्ट जो है वो निगेटिव है और रिजल्ट जो है इन द नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है। तो 1 + 1 ऐड करने के बाद आता है सम 0, कैरी 1। 3 1s ऐड करने के बाद सम 1 आता है, कैरी 1 आता है। 1 + 0 + 0 करने के बाद सम 1 आता है, 0 + 0 करने के बाद 0 आता है। 1 अभी सब्सट्रैक्शन करना है, 1 - 1 = 0, 1 - 1 = 0, 0 - 0 = 1 - 0 = 1।
उसके बाद 0 से तो 1 नहीं जा सकता, तो बोरो लेना पड़ेगा। ये बोरो देगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कि 2 हो जाएगा। 2 से 1 1 आगे पास करेगा, इसके पास एक ही 1 रहेगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, 1 0 मतलब 2 आ जाएगा। 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, फिर 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1। तो इस तरह से ये वाला हमारा रिजल्ट आ गया है। तो यहाँ पे हम डिजिट्स ये जो है वो डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे बाइनरी कोड। ये आता है 9, ये आता है 8 और ये आता है 6। तो अभी हमको ये वाले रिजल्ट का 9th कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, मतलब हर एक डिजिट 9 से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 9 माइनस 6 आता है 3, 9 माइनस 8 आता है 1 और 9 माइनस 9 आता है 0 1 3। रिजल्ट आ गया, तो अभी ये 0 1 3 आ गया। तो अभी एक्सेस ये नॉर्मल बाइनरी में आ गया है, उसको इसका एक्सेस ट्री करने के लिए हर एक डिजिट में हम 3 ऐड करेंगे। 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4 और 0 प्लस 3 आता है 3। तो 346 आया, उसके उसके आगे माइनस साइन लगाएंगे, तो ये हमारा -346 रिजल्ट आ गया, जो कि हम क्रॉस चेक कर सकते हैं नॉर्मल डेसिमल सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट से मैच हो रहा है। तो इस तरह से हम सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन करते हैं एक्सेसरी कोड पे यूजिंग 9th कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो एक और एक बार प्रोसेस समझेंगे हम क्या करते हैं। जो सब्सट्रैंड है उसका 9th कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और उसको उसका एक्सेसरी लिखते हैं, एक्सेसरी कोड लिखते हैं, और जो माइन्यूएंट होता है वो भी उसको भी हम एक्सेसरी फॉर्म में लिखते हैं, और मतलब दोनों एक्सेसरी कोड को ऐड करते हैं। एडिशन प्रोसेस करने के वक्त अगर एंड अराउंड कैरी जनरेट होती है तो हम वो उसको रिजल्ट में ऐड कर देते हैं, और फिर डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट 3 ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। उसके बाद एंड अराउंड कैरी जनरेट होने की वजह से रिजल्ट पॉजिटिव होता है, तो वही हमारा फाइनल रिजल्ट होता है। और अगर एडिशन मतलब हमने माइन्यूएंड को एक्सेसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और सब्ट्रैंड का 9th कॉम्प्लीमेंट लेके उसको भी हमने एक्सेसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया, और उसके बाद अगर एंड अराउंड कैरी जनरेट नहीं होती तो इसका मतलब है कि रिजल्ट निगेटिव होता है, और रिजल्ट जो होता है वो 9th कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होता है। तो रिजल्ट का 9th कॉम्प्लीमेंट लेके हम फाइनल रिजल्ट फाइंड करते हैं। तो इस तरह से एक्सेसरी नंबर पे हम सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग 9th कॉम्प्लीमेंट मेथड।